बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इंटरव्यू पेपर हैकर में। मैं सूरज रावत और आज के भी देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सॉरी यहाँ बात करने वाले हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों के लिए। यहाँ सेमेस्टर बात नहीं करेंगे क्योंकि जो छात्र प्राइवेट स्टूडेंट हैं या फिर जिनका एक्स स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आपके लिए है कि जो भी एक्स स्टूडेंट है या फिर प्राइवेट स्टूडेंट है तो उनका क्या है, जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में है तो उनका जो पेपर है दोबारा से हो रहे हैं एक्स स्टूडेंटों के, या फिर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो यहाँ ध्यान रखो पेपर का आपका जो नाम होने वाला है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए एक बार, अब क्या करने वाले हो ध्यान से देख लेना, मेरी बात को समझ लेना क्योंकि समझने की सही सब कुछ मिलने वाला है। बिजनेस रेगुलेटरी जो फ्रॉम वर्क वाला पेपर का आपका नाम हो जाएगा, ये 2022 में आने वाले, मतलब 28 जी, ये जो आपका पेपर हो रहा है अभी, जो अभी स्टार्टिंग हुए हैं जून से आपके पेपर जो स्टार्टिंग हुए हैं उनकी बात करने वाला हूँ। और ये MJPR रुखंड यूनिवर्सिटी बरेली वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ और मत पढ़ना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा है ही नहीं, यदि कुछ ऐसा होता है तो मैं इसके जिम्मेदार बन सकता हूँ, लेकिन यार मेहनत आपको करनी पड़ेगी, संघर्ष आपको करना पड़ेगा। मेरा फर्ज इतना है कि आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, अब पढ़ना और आपको पूरा क्वेश्चन करके आना, ये फर्ज आपका बनता है, समझ रहे हैं ना। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना और आप उसका जैसे पेपर होता है, मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है 7037327738 और 38, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर तुरंत फोटो खींचकर जो भी आपके पेपर हो रहा है उसको सेंड कर देना, क्योंकि मैं आपको बता सकूंगा भाई देखो ये जो क्वेश्चन दिए बई क्वेश्चन आए, देख लो भाई, तो आप खुद कहोगे कि हाँ सर ने बिल्कुल सही बताया। इस क्वेश्चन को देखो, पहला क्वेश्चन है एजेंसी की परिभाषा, एजेंसी होती क्या है, पहला क्वेश्चन याद कर लेना, एजेंसी की परिभाषा क्या होती है, ये किस प्रकार उत्पन्न और समाप्त होती है, ठीक है, समझाते हुए अधिकार और उनके कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए। यहाँ बोला गया है कोई एजेंसी हम खोल रहे हैं तो वो किस प्रकार से उत्पन्न होगी और कैसे उसको समाप्त करेंगे, कुछ उसके अधिकार होंगे और उनके क्या क्या कर्तव्य रहने वाले हैं, उन कर्तव्यों के बारे में आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निक्षेप, निक्षेप होता क्या है, उसके आवश्यक लक्षण रूपों की व्याख्या करते हुए निक्षेप ग्रहता के अधिकार उनके कर्तव्य के बारे में बताइए। निक्षेप होता क्या है, निक्षेप ग्रहता, ग्रहता का मतलब होता है कौन ग्रहण करता है, उसके अधिकार क्या है, उनके क्या क्या कर्तव्य होते हैं, ये क्वेश्चन आप याद करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, पेपर में छप रहा है। यहां कह रहा है चालू गारंटी किसे कहते हैं, चालू गारंटी किसे कहते हैं, किस प्रकार के समाप्त की जाती है, चालू गारंटी होती क्या है, ये किस प्रकार से समाप्त की जाती है, आप ये देखेंगे। यहां बोला गया है उदंत विक्रता क्या होती है, उदंत विक्रता और उस कह सकते हैं उसके क्या अधिकार हैं, उसको लिखिए, उदंत विक्रता क्या है, उसके क्या अधिकार हैं, यहाँ पे ये लिखेंगे, कोई भी विक्रेता अपने से अच्छा अधिकार क्रेता को नहीं दे सकता। यह बोला गया है कोई भी विक्रेता, विक्रेता का मतलब है जो, विक्रेता का मतलब जो बेच रहा है वो अपने से अच्छा अधिकार क्रेता को नहीं दे सकता, ठीक है, और नहीं दे सकता, नियम की विवेचना करते हुए अपवाद बताना है, अपवाद बताइए, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखो। यहां बोला गया है शर्त और कह सकते हैं आश्वासन क्या होता है, कह रहा है किसी ने शर्त लगाई है, किसी ने आश्वासन दिया है कि हम ऐसा कुछ कर देंगे, तो उनमें दोनों में अंतर आपको देख लेना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ता हूं, यहां है परिक्रमण क्या होता है या इसे हस्ताक्षरण कहते हैं, ठीक है, को से आप क्या समझते हैं, फिर इसकी परिभाषा आपको देख लेनी है और ये किस प्रकार से किया जाता है, ये साधारण और कह सकते हैं अधिहस्ताक्षरण से किस प्रकार से भिन्न है, आप ये दोनों में अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। यहाँ है पृष्ठांकन, पृष्ठांकन क्या है, उसको विभिन्न प्रकार के पृष्ठांकन का उदाहरण आपको सहित एक्सप्लेन करना है, मतलब कि जो पृष्ठा होता है पृष्ठांकन होता क्या है वो आपको देखना है। उपभोक्ता के क्या है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उसके अधिकारों की व्याख्या, उपभोक्ता कहते किसे हैं, उसके क्या क्या अधिकार होते हैं, उस अधिकारों के बारे में आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो चलाया गया था 1986 के अंतर्गत जिला मंच पर, आपको जिला मंच के द्वारा टिप्पणी लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी जो विनियम प्रबंधन है अधिनियम 1999 वाला, उसको पूर्ण व्याख्या करनी है, पूरी व्याख्या करने के लिए बोला गया है जो प्रबंध अधिनियम चलाया गया था 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकृत व्यक्ति कौन है, उसे निर्देश देने और उनके निरीक्षण करने संबंधी रिजर्व बैंक की शक्तियों का वर्णन करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निवार कह सकते हैं जो यहाँ निवासी व्यक्ति का होगा, मतलब निवारी व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, नहीं यहाँ निवासी होगा, ठीक है, भारत में निवासी व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, राज्य आयोग के क्षेत्राधिकार के बारे में आपको याद करके जाना है।
चेक, यहां कह रहा है चेक का रेखांकन से आप क्या समझते हैं, उनकी विशेषता के बारे में देख लेना है। क्रेता सावधानी का सिद्धांत क्या होता है, आप ये क्वेश्चन को याद करेंगे। यहां बोला गया है हुंड एवं नियमन पत्र क्या होता है, ठीक है, और नियमन पत्र के साथ में आप अधिहंसकता और पराक्रमणता के बारे में उनमें विभेद देखेंगे, दोनों में अंतर क्या होता है ये क्वेश्चन याद करेंगे। यहां बोला गया विक्रय अनुबंध क्या है, उसके लक्षण के बारे में, विक्रय अनुबंध होता क्या है वो आप याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ आप देखेंगे पुष्टिकरण से आप क्या समझते हैं, कौन कौन से तत्व होते हैं। हाय हानि रक्षा, देखो हानि रक्षा क्या होती है, यह प्रतिभूमि अनुबंध में विभेद बताना है, मतलब हानि रक्षा किसे कहते हैं और प्रतिभूति जो अनुबंध होता है उसमें अंतर आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कह सकते हैं गर्मित अनुबंध वो क्या होते हैं, उन दोनों में गर्मित अनुबंध में एक छोटी सी टिप्पणी पूछ लेता है, गरीबी क्या होती है, प्रतिफल क्या होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है एक बार आप पढ़ लेना तो बना बना के लिख दोगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करना है, जो क्वेश्चन बता रहा हूं वही क्वेश्चन को याद करके बारा, बाकी कुछ और नहीं देखना है। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, इनके एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी आपको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं paperhacker.in, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।